मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में एक बड़ा अभियान चलाया गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर मनमाने के तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ शुक्रवार दोपहर को पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे और यातायात निरीक्षक रणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में सूबेदार होतम सिंह बघेल और कोतवाली थाना प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। इस कार्यवाही में लगभग 24 दोपहिया वाहनों को सीज कर दिया गया है। वहीं सभी वाहनों को नगर पालिका के वाहनों से उठवाकर कोतवाली थाने में रखा गया है। वहीं जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर वाहनों की मनमानी पार्किंग के कारण मरीजों को अंदर जाने में काफी मुश्किलें आ रही थी और इमरजेंसी वार्ड के बाहर भी वाहन खड़े करने से मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यातायात सूबेदार होतम सिंह बघेल द्वारा बताया गया है कि अस्पताल के बाहर अवैध पार्किंग और सड़क किनारे हाथ ठेले खड़े रहने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस कार्यवाही के दौरान मौके पर 3 वाहनों के चालान भी किए गए और बाकी वाहनों को थाने में रखा गया। पुलिस की इस कार्यवाही से उम्मीद जताई जा रही है कि मरीजों को अस्पताल में बेहतर सुविधा मिल सकेगी और ट्रैफिक की समस्या को भी हल किया जा सकेगा। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।